आप देखते हैं भौतिक जीवन में जब आपको कोई सफलता मिल जाती है, आपके घर का कोई बच्चा आईएएस में आ गया या 2-4 करोड़ की आमदनी कर लिया, तो सब सुंदर सात को सुनाते हुए कहते हैं, देखो राजी की कितनी मेहर है कि मेरा बेटा आईएएस बन गया या इस साल 4 करोड़ की प्रॉफिट हो गई। ये मेहर नहीं है जिसको आप मेहर समझ रहे हैं। आप पन्ना जी भी जाते हैं तो घुमट जी में नारियल रख देते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाएगी तो फिर आकर के कुछ भोग प्रसाद चढ़ा दूंगा, और आपकी मेहर चाहिए। जानते हैं मेहर किसको कहते हैं? मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। जितने सुंदर सात हैं, 40 लाख लगभग संख्या होगी, हमारे सुंदर सात में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, कोई राष्ट्रपति नहीं बना, इससे बड़ा पद तो कोई नहीं होता है। और घुमट जी जाकर आप मांगते भी नहीं है कि हमारे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए। आप छोटी छोटी बातें मांगते हैं, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, पोते पोतिया हो जाए, धन संपदा बढ़ जाए। मैंने चर्चा में कई बार इस घटना का जिक्र किया है कि मैं अभी इस समाज में आए हुए नए नए ही था, संभवतः 90 के आसपास का दशक होगा। गुजरात के सवीर में एक सुंदर सात के साथ बैठा हुआ था, सरकार श्री मंजन कर रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था। एक सुंदर सात आकर कहता है कि सरकार श्री आप कृपा कर दीजिए, मेरी भैंस का दूध कम हो गया है, बढ़ जाए। तो सरकार श्री से भैंस का दूध बढ़ाने की मेहर मांगना एक पागलपन की निशानी के सिवा कुछ नहीं था। मेहर किसको कहते हैं? मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, वो भी अक्षरातीत के बारे में बेचारे नहीं जानते, राष्ट्रपति को भी कुछ मालूम नहीं, वो भी ब्रह्म कुमारी मत में दीक्षित हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भी अक्षरातीत के बारे में कुछ नहीं जानता। टाटा बिरला डालमिया जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, विप्रो कंपनी के मालिक, उसमें कोई भी अक्षरातीत को जानने वाला नहीं है। किससे प्रार्थना करते हैं मोदी जी को? तो जिसको कहिए उसको भी मत्था टेक लेंगे, पौराणिक विचारों में पले हैं, उनका क्या दोष है? जितने आपके गुजरात के मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है कि अक्षरातीत कौन है। इनके ऊपर किसकी मेहर है? अधिक से अधिक आदि नारायण की मेहर है, ब्रह्मा विष्णु शिव की मेहर है। मैं पूछूं आपसे, क्या आप ब्रह्मा विष्णु शिव या आदि नारायण की कृपा चाहते हैं? आप मना कर देंगे। दुनिया पर जो कृपा है वो माया की कृपा है। आपके मन में थोड़ी सी चाहना बन जाती है कि संसार में हम भी अच्छा खाएं पिए पहने और राज्य के आगे हाथ फैला देते हैं, उनके लिए मेहर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वाणी में क्या कहा है? मेहर सोई जो बातनी, हक्के दिल का प्यार। राज्य का हृदय आप पर प्रेम लुटाने लगे। एक तो होता है प्रेम देना और एक होता है प्रेम लुटाना। जैसे हीरो की तिजोरी है, उसमें से एक हीरा निकाल कर देने को क्या कहते हैं? हीरे का देना। और सारे हीरो की पोटली ही आपको दे दिया कि ले जाओ तुम्हारा है, इसको क्या कह देते हैं? लुटाना। तो राज्य ने आपको अपना हृदय ही लुटा दिया है, लेकिन अंतर यह है कि आपको संसार की माया ही चाहिए, राज्य की मेहर नहीं चाहिए। आप जो सबको सुनाते फिरते हैं, दो चीजें हैं सुंदर साथ के, जो तकिया कलाम है हमारे समाज में, राज्य का हुक्म होगा तो ये हो जाएगा, हम कर देंगे। किसी को कहिए कि आप आ जाइए तो कह देंगे हुक्म होगा तो आ जाएंगे, फिर कहेंगे मेहर होगी तो आ जाएंगे। क्या कहा है? हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क वे मेहर से बेशक किलन तिन सम। अब समझिए मेहर किसको कहते हैं? जो अक्षरातीत की प्रेममयी कृपा होती है, प्रेम भरी कृपा। अक्षरातीत के हृदय में क्या है? मेहर सोई जो बातनी, हक्के दिल का प्यार। राज्य का भरपूर प्रेम हमको मिले। हमारे और राज्य के बीच में क्या संबंध है? जैसे
इस संसार में आदि नारायण क्या है? सभी जीवों के परमात्मा हैं। सभी जीव क्या हैं? चींटी से लेकर हाथी तक, या हाथी से भी जो बड़े प्राणी हैं, चींटी से भी जो सूक्ष्म प्राणी हैं, उनका स्वामी कौन है? आदि नारायण। क्योंकि जो चेतना, जीव चेतना के धरातल पर जो कुछ दिख रहा है, नारायण की चेतना का प्रतिभास है। और महाप्रलय में क्या होगा? सारे जीव उस आदिनारायण में लय को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उपनिषदों में क्या कहा गया है? सर्वभूत अधिवास एको देव सर्वभूत इस गुण है। एक ही जो परमात्मा है आदिनारायण सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा क्यों कहा गया? सभी प्राणियों की वो आत्मा है। कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासा सबके कर्मों का दृष्टा है, देखने वाला है। और सर्वभूत अधिवासा सभी प्राणी उसमें वास करते हैं। साक्षी चेता केवल निर्गुणाचा जो सबकी अंतरात्मा है, सभी प्राणियों का वास स्थल है, उसको क्या कहते हैं? आदि नारायण। यहाँ अक्षर अक्षरातीत से कोई संबंध नहीं है। दुनिया किसकी भक्ति करती है? आदि नारायण के अंश से संकल्पित प्रतिबिंबित चेतन। मैं सामान्य भाषा में समझा देता हूं। आदि नारायण के एक एक रूम में न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव अपने ब्रह्मांड सहित विचरण करते हैं। एक आदि नारायण। आदि नारायण कौन है? अक्षर के मन अव्याकृत का स्वाप्निक रूप, संकल्पिक रूप, माया के अंदर जो संकल्पिक रूप बनता है वो आदि नारायण कहलाता है। अक्षर अनंत है तो आदि नारायण की लीला भी इस सृष्टि के हिसाब से, कालमया के हिसाब से अनंत है। दुनिया के बड़े से बड़े योगी, यति, विद्वान आदि नारायण को ही अक्षर नाम मानते हैं। अक्षर ब्रह्म का जो वाचक नाम है वह क्या है? ओम। तो आदि नारायण को भी ओम कहते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था, आपका नाम मोहन है तो सपने में जो आपका तन जाएगा तो वो भी मोहन ही कहलाएगा। और आदि नारायण से जो प्रकट हुए हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, इनकी भक्ति दुनिया करती है और उनकी भक्ति के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त करती है? आप पौराणिक कथाओं में पढ़े हैं, भागवत में सुनते हैं कि अमुक राजा ने तपस्या किया, विष्णु भगवान ने दर्शन दिया तो क्या दिया? राज्य दिया, पुत्र दिया, ऐश्वर्य दिया, बस यही तो मिला। आप गुमर जी में दरबार में भी जाकर के यही मांगते तो हैं। बहनें जाती हैं तो चूड़ियाँ चढ़ाती हैं, चुंदरियाँ चढ़ाती हैं, साड़ियाँ चढ़ाती हैं, और क्या मांगती हैं? कि हमारी बहू को पोता हो जाए, क्या हो जाए, जो भी होता है। पुरुष लोग जाते हैं तो दुकान की वृद्धि मांगते हैं, कहते हैं कि मेहर। मेहर क्या है? देखिए, आशिक किसको कहते हैं? सोई कहिए आशिक जिन दिल जोश फिरत, जिसके हृदय में अपने मासूक के लिए प्रेम का जोश उमड़ रहा हो। आगो आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तन। आशिक किसको कहते हैं? प्रेम करने वाला किसको कहते हैं? जो अपने मासूक पर करोड़ों बार अपने को निछावर कर दे उसको कहते हैं आशिक। परम धाम में रब्द क्या हो रहा है? प्रेम संवाद का कारण क्या है? हम आपसे प्रेम करते हैं। राजी कहना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सखियों का कहना है कि नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं। श्यामा जी का कहना है कि नहीं, मैं दोनों से मैं प्रेम करती हूँ, इसलिए मेरा प्रेम बड़ा है। जो प्रेम करता है उसी का तो प्रेम बड़ा होता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसका प्रेम स्वाभाविक है कि छोटा माना जाएगा, क्योंकि उससे किया जा रहा है। दिल देने वाला बड़ा होता है, दिल लेने वाला बड़ा नहीं होता। परम धाम की इबादत में क्या होता है? मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना की मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया रू अजूक, क्यों न हो टूट टू। राजी आशिक भी हैं और राजी मासूक भी हैं। सखियों के रूप में वो आशिक है और उन्हीं का प्रेम लेकर सखियां श्यामा जी जाती है तो क्या कहते हैं? राजी हम आपको चाहती हैं, आप हमारे मासूक हो, हम तुम्हारे आशिक। परम धाम में एकत्व है, उसका निर्णय नहीं कोई कर सकता कि कौन आशिक है कौन मासूक है। तो आप सोचिए मेहर किसको कहेंगे? वाणी कह रही है कि कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तन। तो राजी अपने को आशिक कहलाते हैं तो आशिक कहलाने की शोभा क्या होगी? अपना हृदय वो सारा आपके ऊपर लुटा दे। उन्होंने तो लुटा भी दिया है।
श्री महमद के मामिनो तुम पर दम दम जो वर्तत सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। वो हर पल आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने हृदय का दरवाजा ही बंद कर रखा है, तो राज्य की कृपा अंदर कैसे प्रवेश करे। राज्य की कृपा में कोई कमी नहीं है, पर्दा तू ही करत है अंतरना अड़े नोर। पर्दा हमने किया है, जो हमारे हृदय में बैठा है उसको हम देखना नहीं चाहते, जो हर पल हमसे प्रेम करता है उसे हम प्रेम नहीं करना चाहते। दूरी किसने बनाई है? हमने दूरी बनाई है। हमने अपने हृदय का समर्पण राज्य के लिए नहीं किया है, राज्य का सर्वस्व समर्पण हमारे प्रति है। सच्ची बात बताइए, मूल मिलावे में फरामोशी है। राज्य सखियों को तरफ तो देख रहे हैं, सखियां भी राज्य को देख रही हैं, लेकिन उनकी सुरता माया में है, इसलिए सखियों को राज्य दिखाई नहीं पड़ रहे। इन गुनेगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। राज्य परम धाम के हर ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में विराजमान है। जो मेहर का सागर हम पढ़ते हैं कि राज्य हमारे ऊपर मेहर कर दीजिए, हमारे ऊपर मेहर कर दीजिए, हम मेहर सागर का पाठ करते हुए 40 दिन हो गए, आज 41वां दिन है, आप हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास डूब जाएगा, हम शंकर जी को अपना इष्ट बना लेंगे, हनुमान जी को बना लेंगे, क्योंकि धमकी भी आप सीख गए हैं। आप जानते हैं मेहर किसको कहते हैं? राज्य के हृदय का एक अंग है नूर का, क्योंकि तपन हो रही है, और मैं समझता हूँ 12:30 बजे की तपती दोपहर में तो मेहर सागर की चर्चा करना बहुत कठिन होता है। आप सुंदर साथ को नियमितता का पालन करना चाहिए, जब 9 बजे का टाइम दिया था तो 9 बजे उपस्थित होना चाहिए। आप देर से आते हैं 10 बजे, इतनी अप्रैल की तपती दोपहर में 44 के टेम्परेचर में सागर श्रृंगार की चर्चा कहाँ समझ में आने वाली है। फिर भी मैं सरल से सरल रूप करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, सुंदर साथ से मैं निवेदन अवश्य करूँगा कि पर्यावरण का संतुलन भंग हो रहा है, दिन पर दिन धरती गर्म होती जा रही है, तपिश बढ़ती जा रही है, तो जो समय की प्रतिबद्धता का ध्यान नहीं रखता वो समाज आगे नहीं बढ़ता। जब 9 बजे का समय था तो 9 बजे आपको आना चाहिए, 9 बजे से मंच शुरू होना चाहिए था। कल भी 8 बजे से पहले शोभा यात्रा का विधान था, तो भी वो भी शुरू हुआ 10 बजे के आसपास से। जो मैं मेहर सागर के बारे में कह रहा था, राज्य के हृदय में क्या है? इश्क है। राज्य के हृदय में क्या है? इल्म का अनंत सागर है। राज्य के हृदय में क्या है? वहदत का सागर। राज्य के हृदय में माया की कोई वस्तु है ही नहीं, तो आपको देंगे कहाँ से? और आप वह चीज मांग रहे हैं जो राज्य के पास है नहीं, तो राज्य दे नहीं सकते। फिर दोष आप लगा देते हैं राज्य पर। जो राज्य आप पर मेहर कर रहे हैं, 7 सागरों का रस आपको दे रहे हैं, उसको पाने का सौभाग्य क्या आदि नारायण के पास है? निस्बत का सुख है, निस्बत का सुख तो अक्षर ब्रह्म के पास भी नहीं है। सागर में क्या कहा है? बदले आप दिखावत प्यारी, निस्बत रखे छिपाए। अनंत काल से अक्षर ब्रह्म राज्य का दर्शन करने जाते हैं, राज्य अपना आधा ही मुखारविंद दिखाते हैं, लेकिन निस्बत के जो स्वरूप हैं, श्यामा जी का तन, सखियों का तन, अक्षर ब्रह्म देख नहीं पाए। तो निस्बत का जो सुख श्यामा जी और सखियों को है, वो तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। तुम आदि नारायण बेचारे कहाँ से आपको दे पाएंगे? ब्रह्मा विष्णु कहाँ से आपको दे पाएंगे? आप तो खुश होते हैं, राज्य पर आरोप लगा देते हैं कि हमारे राज्य से अच्छे तो 9 ग्रह हैं, क्योंकि मंगल खुश हो जाएगा तो हमको बहुत कुछ दे देगा, बृहस्पति खुश हो जाएगा तो ज़्यादा मिल जाएंगे, और त्रिपद के भगवान खुश हो जाएंगे तो धन हमारा दुगुना हो जाएगा। आप जो है इस संसार के देवी देवता जो कुछ दे सकते हैं उनकी महिमा गाते हैं, आप अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। आपके घर आपकी पत्नी भी रहती है, और आपके घर पोछा लगाने के लिए एक नौकरानी भी आती है। आज के कानून के युग में आप उसको नौकरानी तो नहीं कह सकते, लेकिन मन में तो भावना रहती है कि आप की वो नौकरानी है। आप उसको मासिक 2000-4000 दे देते हैं। आप कमाते कितने हैं? 1 लाख।
क्या आप कभी बाहर जाएंगे तो अपनी पत्नी को भी 2,000-4,000 रुपये देकर जाएंगे? आपसे यदि उसका तलाक भी होता है तो 25 लाख रुपये कम से कम लेगी। आधी संपत्ति में उसका हक बनता है क्योंकि वो आपकी अर्धांगनी है। आप धन पत्नी को भी देते हैं और आप धन अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को भी देते हैं। दोनों में अंतर तो होता है। आप, मैं संसारिक दृष्टांत से समझा दूं तो आपको सरलता से समझ आएगी। आप 1 लाख रुपये मासिक वेतन पाते हैं, घर की सेफ में 1 लाख रुपये रख देते हैं, पत्नी को 1 रुपये भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? नौकरानी आएगी, 1 महीना पूरे होते ही 4,000-2,000 रुपये दे देंगे, पत्नी को 1 रुपये नहीं देंगे। लेकिन पत्नी को सारा अधिकार है कि उसको आवश्यकता पड़ेगी तो 1 लाख का 1 लाख खर्च कर सकती है, 5 लाख भी खर्च कर सकती है। नौकरानी कोई अधिकार नहीं है। बस इतनी सी कहानी है। राज्य की मेहर में और देवी देवताओं की जो कृपा होती है उस पर मेहर में, वे आपको ऐश्वर्य दे सकते हैं, धन संपदा दे सकते हैं, प्रतिष्ठा दे सकते हैं, पद दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें माया की वस्तुएं हैं। यौवन, धन और पद आकाश में चमकती हुई बिजली के समान क्षण भर के लिए होती है। हमारा सुंदर यौवन में शरीर जो होता है बुढ़ापे में समाप्त होने लगता है। पागल काय की तरह लक्ष्मी भागती रहती है, कभी आज इसके पास कभी इसके पास, सब कुछ नष्ट हो जाता है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में कहा है कि कहाँ गया यह राज, कभी यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट रहा करता था, उसकी चतुरंगड़ी सेना हुआ करती थी, वो सोने के महल में सहन करता था, लेकिन काल ने सबको निगल लिया है। आज न राजा है, न उसकी चतुरंगड़ी सेना, न सोने का महल, जो है नहीं स्वप्न के समान है। हम तारतम वाणी पढ़कर भी उसी के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि देखो राज्य ने कितनी मेहर कर दी। यदि माया की कृपा हो गई तो उसको राज्य की मेहर, और राज्य ने अपना हृदय लुटा दिया, निस्बत के स्वरूप दिखा दिया, नीर सागर का सुख दिया, रूहों की शोभा को, आपको अपनी परात्म देखने का अवसर मिला। वहदत नूर नीर क्षीर सागर को देखने का अवसर मिला, दति सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को देखने का अवसर मिला, नख से सिख तक युगल स्वरूप की छवि आपके हृदय में बस गई, और इल्म का सागर का रस मिला, जिससे आपने समझा कि मेरी वास्तविक में मेरा स्वरूप क्या है, मेरी शोभा क्या है। और इश्क में डूब करके, इश्क के सागर में डूब कर इल्म का रस लेकर आपने अपने प्राणेश्वर को दिल में बसाया तो निस्बत का पूर्ण सुख मिला। आपकी आत्मा परात्म को नख से सिख तक बसा लेती है और मेहर के सागर में प्रवेश करती है। तो आपको बताइए क्या चाहिए? आप नारियल चढ़ाकर, पाठ परायण रख करके, परिक्रमा करके क्या चाहते हैं? छोटी छोटी चीजें वस्तुएं मांगते हैं, वो जो ब्रह्मा विष्णु सिर देने वाले हैं, आदि नारायण देने वाले हैं। आपको दासी बनना स्वीकार है या ब्रह्मांगना होना स्वीकार है, ये निर्णय करना आपका है। यदि आपको देखते हैं ना, आपके घर नौकरानी आती है, पहला 30 तारीख बीत गई, 31 दिन बीत गया, पहला दूसरा दिन हो गया तो शोर मचा दी कि साहब मेरा वेतन नहीं मिला, क्या आपकी पत्नी भी शोर मचाएगी? तो आप क्यों शोर मचाते हैं कि राज्य हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं तो हम हनुमान जी के शरण में चले जाएंगे? इसलिए क्योंकि आपको अभी राज्य की कृपा का विश्वास नहीं है। राज्य जो आपको मेहर के रूप में दे रहे हैं, उसको देने की सामर्थ्य अक्षर ब्रह्म में नहीं है। अक्षर ब्रह्म भी अपनी पंचवासनाओं को वो दे नहीं सके जो मेहर के सागर में सातों सागरों का सुख लिखा हुआ है। वही 8वें सागर के रूप में प्रस्फुटित होता है तो कहते हैं मेहर का सागर। मैंने बोलचाल की भाषा में आपको मेहर के सागर की वास्तविक पहचान बताई, और मेरा समय पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ के लिए स्वर्णिम अवसर है कि वाणी के चिंतन में डूबें, अपने धनी की पूरी पहचान करें और मेहर के सागर में गोता लगाएं। यह सौभाग्य जो मिला है फिर कभी नहीं मिलने वाला है। आप राज्य के सामने हाथ फैलाकर कभी भी माया की चीजें न मानिए, चाहे आपके घर में भो चूल्हा जले न चले, क्योंकि जो प्रीतम है बिन मांगे सब कुछ देता है, वह अपना हृदय लुटा रहा है। और आप राज्य के मेहर की संसार की मेहर से जो तुलना करके राज्य की महिमा को खंडित कर रहे हैं, तो इसका परिणाम आपका
राज जी से प्रेम खंडित हो रहा है, जब प्रेम ही नहीं रहेगा तो आपको क्या मिलने वाला है। मैं ऐसा करूंगा कि सुंदर साहब जो मेहर का सागर है उसका वास्तविक असर समझेंगे और तब उनको गौरव प्राप्त होगा कि हमारी पहचान क्या है, हमारी गरिमा क्या है, हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत महान से भी महानतम है। जितनी महानता की कल्पना कर सकते हैं अक्षरातीत उससे भी अनंत गुना है। प्रेम में भी अनंत गुना, दया करने में भी अनंत गुना, कृपा करने में भी अनंत गुना, सौंदर्य में अनंत गुना, इतना निकट है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बैकुंठ में विष्णु भगवान रहेंगे, आदि नारायण मोह सागर में रहेंगे, कुछ तो दूरी है। आदि नारायण जितने महालक्ष्मी से प्रेम करेंगे, अक्षर ब्रह्म जितना करेंगे और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से करेंगे, वे कितना भी प्रेम करेंगे वो माया के किसी जीव से नहीं कर सकते। लेकिन राज जी अपने से अधिक, अपने से अनंत गुना आपसे प्रेम करते हैं, तभी वे आस्तिक कल्याण के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए यदि वाणी में अक्षरातीत ने जो कुछ कहा है कि मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है, सुंदर साथ केवल इतनी सी बात जान जाए तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरे इन वचनों को अंगीकार करे। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।